हाय एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं लेके आ रखा हूँ आप सबके लिए डेली रूटीन, जो कि आज हमारा डे सेकंड है। इससे पहले वाली क्लास में हमने डे फर्स्ट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ज्यादा इजी था। उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी दी थी, जिन लोगों ने नहीं किए वो कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा उनकी स्पीकिंग के लिए, इवन रिटन के लिए भी। तो अब मैं बात करूंगा डे सेकंड में डेली रूटीन के बारे में। देखो, डेली रूटीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, इवन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहां पे ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। देखो, इंटरव्यू में कभी कभार इंटरव्यूअर भी आपको पूछ देता है कि अपनी डेली रूटीन सुनाओ। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे, बट आज इस क्लास में हम डेली रूटीन को भी बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे। और मुझे पता है अगर आप एक बार इसे पढ़ लोगे तो आप कभी इसे भूलने वाले भी नहीं हो। तो चलते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं उठने से। कोई लोग वेकअप बोलते हैं, कुछ लोग गेटअप बोलते हैं। अब वेकअप एंड गेटअप में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ही आप उठते हो और चलना शुरू करते हो तो वो हो जाता है हमारा गेटअप, और आप बिस्तर पर लेटे हो, आपकी आंखें खुली है, तो उसके लिए हम बोलते हैं गेटअप। और आप बोल सकते हैं आई गेटअप एट सिक्स। देखो, घड़ी पे जो भी टाइम होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे एट का। देखो, घड़ी पे क्या क्या हमारा टाइम होता है, हम बोलते हैं 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे। तो जब भी आप टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो आप देखो उससे पहले, टाइम से पहले हमेशा एट का यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट अप एट 6, इसका मतलब मैं 6 बजे उठता हूँ। देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी दे रही है, गेट की गॉट है, देन थर्ड फॉर्म भी गॉट है, गेट गॉट गॉटन भी होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। फिर स्प्रूज अप, स्प्रूज अप का मतलब क्या होता है, जब सुबह सुबह आप नहाते हो, ब्रश करते हो, तैयार होते हो। देखो, आप डायरेक्टली ये चीज नहीं बोल सकते मैं वॉशरूम जाता हूँ या थोड़ा अजीब से लगता है, तो आप एक वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं स्प्रूज अप। आपका नहाना धोना ब्रश करना सारा का सारा किस में आ जाता है, स्प्रूज अप। और आप बोल सकते हैं देन आई स्प्रूज अप। अब मैं नहाता हूं तो आप बोल सकते हैं आई टेक बाथ। देखो, ध्यान रखना, टेक के पहले हमेशा आप, बात से पहले हमेशा आपको टेक का यूज करना है, और मैं नहाता तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक बाथ। ऑलराइट, अब मैं चाय पीता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक टी। वही मैं भगवान की पूजा करता हूं, पूजा करने के लिए क्या बोलेंगे हम, वर्शिप गॉड। अब कुछ लोग चाय पीने से पहले ही भगवान की पूजा करते हैं, पर अगर ये हमारी डेली रूटीन है, देखो आप जैसे जिस तरीके से आप करते हो आप उसी तरीके से बनाओ। और इससे पहले आपको क्या लगाना है, आई लगाना है, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन की डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पर्सन तो पता ही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड हमें जो सुन रहा वो, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो आज हम आई के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं भगवान की पूजा करता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई वर्शिप गॉड। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या बोलते हैं हम, टेक ब्रेकफास्ट या हैव ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक ब्रेकफास्ट। कोई इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेगा, इसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट। तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करता हूं, मैं लंच बनाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, देन आई प्रिपेयर लंच। लंच बनाने के लिए क्या बोलेंगे हम, प्रिपेयर लंच। ओके, अब देखो लंच बनाने के ठीक बाद हम क्या करते हैं, बर्तन को धोते हैं। बर्तन को धोने के लिए बोलते हैं हम डू द डिशेस। डिशेस देखो हमारी खाने वाले भी होती है और जिन्हें हम धोते हैं, मतलब जो हमारे जूठे बर्तन होते हैं उन्हें भी आप डिशेस कह सकते हो। और आप क्या बोलेंगे, आई डू द डिशेस, इसका मतलब मैं बर्तन धोता हूं। अब बर्तन धोने के बाद अगर आप किचन के कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू द किचन। जैसे किचन में आप बर्तन धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इसे डायरेक्टली आप एक शब्द में बोल सकते हैं आई डू द किचन। फिर उसके बाद आप कॉलेज के लिए तैयार होते हो तो बोलना आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। अब क्या बोलेंगे, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। ऑलराइट, और जो स्कूल के लिए तैयार होता है वो बोल सकता है आई गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मैं दरवाजे को बंद करता हूं तो बोल सकता है आई लॉक द डोर। क्या बोलना है आपको, आई लॉक द डोर। दरवाजे को ठीक बंद करने के बाद आई कैच ऑटो, मैं ऑटो को पकड़ता हूं। अब ऑटो को पकड़ने का मतलब कैच नहीं है, जैसे आप ऑटो को रुकाते हो उसी को बोलते हैं हम कैच ऑटो। अगर आप बस को रुका रहे हो तो कैच बस हो जाएगा। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, स्कूटी को स्टार्ट करता हूँ, तो आई स्टार्ट माई बाइक, आई स्टार्ट माई स्कूटी। फिर मैं कॉलेज में पढ़ता हूं तो आई स्टडी एट कॉलेज या आई स्टडी एट स्कूल। देखो जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के ठीक बाद हमें टाइम मिलता है गप्पे मारने के लिए। देखो चबाने के लिए तो हम च्यू बोलते हैं, पर फैट मतलब क्या होता है, मोटापा। अब च्यू द फैट मतलब क्या होता है, गप्पे मारना। तो मैं गप्पे मारता हूं तो आप बोल सकते हैं आई च्यू द फैट। अब उसके बाद हम सब क्या करते हैं,
अब जो क्लास हमें पसंद हो, जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग की क्लास अटेंड करता है, किसी को डांसिंग पसंद है तो डांसिंग क्लास अटेंड करता है, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है तो गिटार बजाने की मतलब प्लेइंग गिटार की क्लास अटेंड करता है ना। तो आई अटेंड हॉबी क्लास, मतलब मैं हॉबी क्लास को क्या करता हूँ, जो चीज मुझे पसंद है वो वाली क्लास अटेंड करता हूँ। अगर आप ट्यूशन दे दें तो आप बोल सकते हैं आई गिव ट्यूशन, और वही जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, टेक करेंगे। तो बोलना आई टेक ट्यूशन। आई गेट बैक टू होम, मैं घर वापस आता हूं। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं तो बोलना आई मीट माई फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे आप लोग, आई मीट माई फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं लंच बनाता हूं तो बोलना आई प्रिपेयर लंच। अब फिर लंच बनाने के बाद हम खाते भी हैं तो आप बोल सकते हैं आई टेक लंच, मैं लंच खाता हूं तो क्या बोलेंगे आप, आई टेक लंच। दिन में सोने के लिए आप बोल सकते हैं टेक सिएस्टा, और मैं दिन में सोता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक सिएस्टा, क्या बोलेंगे आप, आई टेक सिएस्टा। इसका मतलब मैं दिन में सोता हूं। ऑलराइट, अब देखो टहलने के लिए क्या बोलते हैं हम, मूछ अराउंड। अब जैसे आप दिन में सोते हो उसके बाद कभी कभार खड़े उठने के बाद हम थोड़ा टहल लेते, तो टहलने के लिए क्या बोलेंगे, मूछ अराउंड। और उसे याद करने का तरीका क्या है, मूछ अराउंड। खैर मेरी इतनी बड़ी मूछ भी नहीं है तो मैं टहलता हूं तो आप बोल सकते हैं आई मूछ अराउंड। मैं मार्केट जाता हूं उसके बाद तो आप बोलना आई गो टू मार्केट, ठीक है। और मैं सीडी लेके आता तो आई ब्रिंग सीडी, पहले लेके आते थे हम सीडी, अब तो खैर कहाँ, तो सारी चीजें मोबाइल पे ही दिख जाती है। मैं सब्जियां खरीदता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई बाय वेजिटेबल्स। और उसके बाद मैं टीवी देखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच टीवी। मैं गेम खेलता हूँ, देखो बहुत सारे गेम हम लोग खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो आप बोल सकते हैं आई प्ले गेम्स। गेम खेलने के बाद मैं सब्जी को काटता हूं तो आप बोल सकते हैं आई चॉप द वेजिटेबल, या आई चॉप वेजिटेबल। यहाँ पे हमारे ई साइलेंट होते तो इसे वेज ही नहीं बोलना हमें, वेजिटेबल। ऑलराइट, उसके बाद में रोटी बेलता, रोटी बेलने के लिए रोल द चपाती बोलते हैं। सेकने के लिए हम क्या बोलेंगे, बेक द, या बेक चपाती। रोटी सेकने के लिए बोलेंगे हम बेक चपाती। फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, देन आई स्टडी, पढ़ाई करने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्टडी। मैं गिटार बजाता हूँ, आई प्ले गिटार। मैं बाइक चलाता तो आप क्या बोलेंगे, आई राइड बाइक। वही अगर आप कार चलाते हो, अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो राइड, और फोर व्हीलर चला रहे हो तो आप क्या बोल सकते हैं, ड्राइव। वही अगर आप बोट को चला रहे हो तो उसे हम सेल कहेंगे, और वही अगर आप एरोप्लेन को चला रहे हो तो उसे हम फ्लाई कहेंगे। अब उसके बाद मैं सो जाता, सोने के लिए देखो हमने कितने तरीके, सिक आउट, गो टू बेड एंड हिट द पिलो। अब आप बोल सकते हैं आई सिक आउट, आई गो टू बेड, या आई हिट द पिलो। अगर आप कसरत करते हो तो उसे हम वर्कआउट कहते हैं, और कॉन्वर्सेशन के लिए क्या बोलते हैं हम, डू कॉन्वर्सेशन। वैसे आप हैव भी यूज करोगे तो काफी बेटर रहेगा, आप बोल सकते हैं आई हैव कॉन्वर्सेशन। नाउ देखो, अब जब भी हम बात करते हैं डेली रूटीन की तो उसमें हम कुछ चीजों को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दो वर्ड दे रखा है, एक तो टी एच ए एन देन दे रखा है, एक टी एच ई एन देन। तो इसे हम देन नहीं कहेंगे, इसे हम हमेशा देखो थोड़ा स्ट्रेस देना ए में, तो देन एंड दिस इज देन, then and then, then जब जब भी हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे, she is more beautiful than me, मतलब वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। और then का यूज कब करेंगे, जब हम देखो किसी भी सीक्वेंस को बताते हैं, जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूस में होता है, कॉन्टिन्यू कर रहा है, आप एक स्टोरी बता रहे हो तो वहां पे आप उस स्टोरी को कॉन्टिन्यू करने के लिए then का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो वहां पे फर्स्टली का यूज होता है, जैसे फर्स्टली आई टेक बाथ, देन आई टेक टी। तो then का यूज कब करेंगे हम, जब हम किसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे। देखो सीक्वेंस को बताने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट डे का यूज किया, फिर हमने देन लगाया। तो आप देन के अलावा क्या बोल सकते हैं, देन, जस्ट देन, देन आफ्टर, आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, आफ्टर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, देयर आफ्टर बोल सकते हैं, और लास्ट में जब आप बोलेंगे तो फाइनली कहेंगे। देखो जब भी हम बिफोर एंड आफ्टर के बाद कोई वर्ब लगाते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ये हम आगे वाली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। बट चलते हैं फिर क्लास में आगे की ओर। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं डेली रूटीन के लिए, जो डेली रूटीन आप बनाओगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप, सबसे पहले मैं उठता हूँ, जस्ट देन आई स्प्रूज अप, आफ्टर दैट आई वर्शिप गॉड, उसके बाद मैं भगवान की पूजा करता हूँ, देयर आफ्टर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, After then I start my bike. After then मतलब क्या था, उसके बाद। देखो ये सब चीज क्या कर रहे हैं हमारी, देखो एक स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए या सीक्वेंस बताने के लिए हम ये सब चीजों को यूज कर रहे हैं। और जब भी आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्टली फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट कर सकते हो। अब बीच में आप जस्ट देन, आफ्टर दैट, देयर आफ्टर, देन,
अगर आप इन चीजों को यूज करते हो तो स्पोकन में एक अलग ही, मतलब आपको कोई भी सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप देन 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 बार बार बोल रहे हो तो थोड़ा रिपीटिशन हो जाता है, कोई भी आपको सुनना नहीं चाहेगा। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टोरी को थोड़ा और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इन सब वर्डों का यूज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट देन, आफ्टर दैट। अगर आप इन सब का यूज करते हो तो आपकी स्टोरी सामने वाला सुनने में भी थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। आप देन आई स्टार्ट माई बाइक, देन आई रीच एट इंस्टीट्यूट, आई रीच इंस्टीट्यूट, देयर आफ्टर आई चेक ऑल माई अपडेट्स, आफ्टर देन आई सी ऑफिस वर्क, देन आई टीच स्टूडेंट्स, आफ्टर वर्ड्स आई टॉक टू माई कोलीग्स, देन आई रीड अ बुक, जस्ट देन आई हैव माई लंच। तो देखो ये पूरी कंप्लीट नहीं की गई है, क्योंकि अब यहां से आपको खुद अपनी बनानी है। अगर आप स्कूल गोअर हो तो स्कूल में क्या क्या करते हो, सबसे पहले आप उठते हो, फिर उसके बाद क्या क्या करते हो आप, सारी की सारी चीजें, और फाइनली जो लास्ट में आप करते हो, जैसे फाइनली आई गो टू बेड, या फाइनली आई सिक आउट, या फाइनली आई हिट द पिलो, इस तरीके से आप लोगों को भी बनाना है। गॉट इट? अगर आपको ये डेली रूटीन समझ में आई हो कि कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले डेली रूटीन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करो आप लोग। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करोगे, फर्स्टली से स्टार्ट करो, काफी अच्छा सुनने में लगता है, और फाइनली में आपको एंड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती हो, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको डेली रूटीन बताई है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग एक और चीज कर सकते हैं कि अपनी डेली रूटीन बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।